कोरोना की वैक्सीन हो गई तैयार, अब होगा कोरोना वायरस पर वार। कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। दुनिया भर में इसको लाने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। इसमें बड़ी सफलता भी मिली है। ऑक्सफोर्ड कोविड 19 वैक्सीन एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर भारत में ट्रायल कर रहे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने बड़ा ऐलान किया है। ऑक्सफोर्ड कोविड 19 वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए 2021 फरवरी तक और आम जनता के लिए अप्रैल तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। दो खुराक के लिए इसकी अधिकतम कीमत ₹1,000 होगी। अभी जो क्लिनिकल ट्रायल के थर्ड फेजेस में जो लोग पहुंच गए हैं, वो जिस स्थिति में है, कब से वो वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं, उसके आधार पर जो एक हमने टेंटेटिव गाइडलाइन बनाई है, उसमें करीब ये जो डोजेज हैं 400-500 मिलियन, ये 25-30 करोड़ लोगों को मैक्सिमम जो है शुरुआती, क्योंकि ये एक वैक्सीन को 2-3 हफ्ते के गैप पे 2-2 बार लगाना होगा एक एक व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है कि सोसाइटी में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत एक वृहद योजना के तहत जो है इसकी बहुत डिटेल्ड प्लानिंग, जो काम हमको अभी अगले साल मार्च अप्रैल में करना है मान लीजिए, उसकी तैयारी अभी हम 3 महीने पहले से कर रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी भारत बायोटेक कंपनी भी वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए तैयार है। आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इसका ट्रायल डोज भी लेंगे। मैं सिविल अस्पताल अम्बाला में सुबह 11 बजे कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल डोज एक्सपर्ट्स की निगरानी में लूंगा। देश भर में करीब 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा।